वर्ल्ड पेस ट्रिब्यूट टू लेजेंड लार्जर देन लाइफ रतन टाटा। सब लोग बहुत अफसोस कर रहे हैं। एक ऐसा ऐसी पर्सनालिटी थी उनकी कि जिन्होंने सियासत में ना रहते हुए, यानी कि पॉलिटिक्स में ना रहते हुए, अपनी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा काम किया। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दुनिया भर के जो इस वक्त अखबारात हैं, मीडिया वेबसाइट्स हैं, और दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स और लोग कैसे उनको, उस लेजेंड को, इंडिया के लेजेंड को, लेकिन जिसको वर्ल्ड लेजेंड के तौर पर देखा जा रहा है, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी इनके ऊपर जो है वो लोग बात कर रहे हैं और अफसोस किया जा रहा है उनकी इस उनकी डेथ का। रतन टाटा सिर्फ इंडिया के नहीं थे बल्कि दुनिया के बहुत से कंट्रीज में उनके बहुत ज्यादा चाहते। पहले लता जी को ऐसा ट्रिब्यूट पेश किया गया था दुनिया में। बहुत से हमारे यहाँ बिजनेस कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको मेरा ख्याल है कि इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए अपनी कंट्री को। आप सियासत में आए बगैर, बगैर कोई मिनिस्ट्री लिए, बगैर किसी लालच के और बगैर कोई फायदा लिए भी अपनी कंट्री के लिए काम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। वर्ल्ड पेस ट्रिब्यूट टू लेजेंड लार्जर देन लाइफ रतन टाटा। ही इज नो मोर विद अस बट ही विल लिव ड्यू टू हिज कंपैशन एंड एम्पैथी, हिज काइंडनेस, जिसकी आज हर कोई बात कर रहा है। रतन टाटा जो कि भारत का एक अनमोल रतन था, लेकिन भारत के इस अनमोल रतन को आज दुनिया सलाम पेश कर रही है, दुनिया ट्रिब्यूट पेश कर रही है रतन टाटा को, क्योंकि रतन टाटा सिर्फ इंडिया के नहीं थे बल्कि दुनिया के बहुत से कंट्रीज में उनके बहुत ज्यादा चाहने वाले मौजूद हैं। और इसकी वजह ये कि वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक बिजनेस टाइकून ही नहीं थे, वो एक ऐसी एम्पायर के मालिक नहीं थे जिसको वो ग्लोबल लेकर गए, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट से ज्यादा एक काइंड ह्यूमन बीइंग थे। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि दुनिया उनको ट्रिब्यूट कैसे पेश कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले लता जी को ऐसा ट्रिब्यूट पेश किया गया था दुनिया में। रतन टाटा के स्टेट फ्यूनरल का इंतजाम किया गया है और उनको स्टेट की तरफ से जो है उनके लास्ट रिचुअल्स अदा किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में बहुत सारी ट्वीट्स हमारे सामने आई हैं, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दुनिया भर के जो इस वक्त अखबारात हैं, मीडिया वेबसाइट्स हैं, और दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स और लोग कैसे उनको, उस लेजेंड को, इंडिया के लेजेंड को, लेकिन जिसको वर्ल्ड लेजेंड के तौर पर देखा जा रहा है, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले रतन टाटा की एक इंतहाई खूबसूरत, हसीन, बहुत ही जबरदस्त पिक्चर जो कि हर जगह पर चल रही है, आपके सामने रखते हैं। और इसके अलावा और बहुत सी उनकी ऐसी तस्वीर जो इस वक्त चल रही हैं कि वो कैसे, ये उनकी आप देख सकते हैं एक ऐसी पिक्चर जो कि पुरानी पिक्चर है, उनकी जवानी की पिक्चर है, लिखा जा रहा है। मेरे सामने इस वक्त मौजूद है बीबीसी, जिसमें लिखा है बिजनेस टाइकून रतन टाटा डाइज एज 86। और फिर हमें हमारे सामने राइटर्स मौजूद है, रॉयटर्स ये लिखता है रतन टाटा हु पुट इंडिया टाटास ग्रुप ऑन द ग्लोबल मैप डाइज एट 86। एपी लिखता है कि रतन टाटा द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इंडियन टाटा सन्स डाइज एज 86। और न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वो कौन सा, वॉशिंगटन पोस्ट तक और CNN तक कहता है रतन टाटा इंडियन टाइकून हु टोक हिज एम्पायर ग्लोबल डाइट एट 86। इस वक्त पूरी दुनिया के अखबारात में रतन टाटा का तस्करा हो रहा है। देखिए, हम रतन टाटा पे अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जी, एक सिंपल सी बात तो ये है कि जैसे उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, एक एम्पायर क्रिएट की, और इंडिया के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कंट्री के लिए उन्होंने जो जो काम कर डाले, दैट इज अमेजिंग, अनबिलीवेबल। हर मौके पर उन्होंने अपने कंट्री को, अपने वतन को सबसे आगे रखा, और काइंडनेस जो है उनकी, उसके पर बहुत बात की जाती है, कंपैशन उनके अंदर बहुत ज्यादा था। वो खास तौर पर एनिमल्स के लिए बहुत काम करते रहे, फिलंथ्रोपिस्ट थे वो एक बहुत बड़े। देखिए, ये जो है अभी उन्होंने 2 दिन पहले अपने ट्विटर पर ये लिखा कि मेरे हवाले से कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं
कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा या मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी। और इस नोट में उन्होंने ये लिखा रतन टाटा ने कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ। आपको पता है कि ये कौन कहता है? देखिए 86 की एज में जो लोग बीमार होते हैं ना, उनकी 90% लोगों का आप देखेंगे कि वो बिल्कुल अपना वो स्पिरिट छोड़ चुके होते हैं और वो कहते हैं कि बस ओके अब हो भी जाए, किसी भी लम्हे हो सकता है, अब तो इस दुनिया से दिल उकता गया है, बस खत्म, अब क्या देखना, ठीक है जो भी। लेकिन एक ऐसा बंदा जो जिसको मरने से दो दिन पहले, रतन टाटा ने आज से दो दिन पहले ट्वीट किया कि ये खबर जो चल रही गलत है भाई, आई एम अलाइव, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो बहुत हाई स्पिरिट्स में रहता है आखिरी वक्त तक, वो कहता है, इससे पता चलता है कि उनकी पर्सनैलिटी का क्या, कामयाबी का क्या रास्ता। 86 की एज में जब वो इतने बीमार हैं कि उनके वफात की खबरें आती जा रही हैं कि जी लेकिन वो सही हैं, तो वो खुद से ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है, तो इससे उनकी हाई स्पिरिट्स, जिस इमोशंस में वो रहते थे, इसका पता चलता है। जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनके लिए उन्होंने भी जो है वो कुछ ट्वीट्स किए हैं और इसके ऊपर जो है वो उनका ये कहना था कि श्री रतन टाटा जी वाज ए विजनरी बिजनेस लीडर, ए कंपैशनेट सोल एंड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। ये सबसे बड़ी बात जो ये कही जा रही है कि वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग थे, ऐसे इंसान जो ऐसा इंसान नहीं मिलता। ही प्रोवाइडेड स्टेबल लीडरशिप टू वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस बिजनेस हाउसेस, एट द सेम टाइम हिज कॉन्ट्रीब्यूशन वेंट फार बियॉन्ड द his business, he himself to several people thanks to his humility, kindness and unwavering commitment to making our society better. ye unhone kaha hai. iske alawa bhi unhone phir kuch aur tweets bhi ki jiske upar jo hai kuch logon ne un ye kaha ki I am unable to accept the absence of Ratan Tata. to dekhiye ye to maine abhi ye bataya ki duniya unko tribute kaise pesh kar rahi hai, lekin ab main aapko ye batati hu ki ऐसा भी हुआ उनकी लाइफ में कि जो फोर्ड कंपनी, अमेरिका की फोर्ड कंपनी है, वो उसके पास जब रतन जी टाटा पहुंचे, और वो इसलिए उन्होंने फोर्ड से मीटिंग की, इसकी वजह ये थी कि वो एक दफा उन्होंने देखा कि एक स्कूटर पर या मोटरसाइकिल पर बैठकर एक छोटी फैमिली, यानी मियां बीवी भी हैं और बच्चे भी उनके साथ बैठे हैं, बारिश हो रही है तो वो मुश्किलों से जा रहे हैं, तो उस वक्त उनके उसमें ये ख्याल आया कि ये क्यों है। उन्होंने अपने जो लोग थे साथ, उन्होंने कहा कि क्या हम कोई एक ऐसी गाड़ी नहीं बना सकते कि जो कम कीमत की हो, जो कि आम लोग जो स्कूटर इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सके। तो वो जो गाड़ी, उन्होंने इस तरीके से ये सोच थी उनके अंदर कि मैं कम कीमत की ऐसी गाड़ी बनाऊं जो मेरे कंट्री के गरीब लोग हैं वो भी ले सके और इस्तेमाल कर सके। और आज देखिए इंडिया के अंदर अपनी जो इंडिजनस बिजनेस है वो कैसे चल रहा है और गाड़ियां कैसे बनना शुरू हो गई और फिर कैसे बड़ी तादाद में वहां पर गाड़ियां बनती हैं। अच्छा, अब फिर फोर्ड का जो था उस वक्त, वो उसके पास गए मीटिंग के लिए, और फोर्ड के पास यहाँ पर आकर उन्होंने कहा कि भाई ये है, हम गाड़ी जो है वो बनाना चाहते हैं। और ये तो फोर्ड ने उनको उस वक्त ये जवाब दिया कि नहीं, ये आपके बस का काम नहीं है, क्योंकि आपके पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आप लोगों के आइडियाज हैं लेकिन उसको जो है प्रैक्टिकली करना बड़ा मुश्किल है, तो ऐसा करते हैं कि हम आपका बिजनेस ही खरीद लेते हैं, हम खरीद लेते हैं। तो उनको बड़ा धचका लगा, क्योंकि रतन जी टाटा जैसा जो बंदा है वो ये इसलिए तो नहीं गया कि ये मेरा बिजनेस ले लो भाई, बड़ा ये जो उसमें जा रहा है, माठा जा रहा है, ये तो दुकान बंद होने वाली है तो मुझे पैसे दे दो, वो तो ऐसे थे नहीं। तो फिर ये हुआ कि वो बड़े नाराज हुए, यानी ऑब्वियसली के डिसार्ड भी होंगे, वापस चले गए वो। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि जैगवार, जिसको फोर्ड नहीं संभाल सका, यूके की जैगवार जिसको फोर्ड नहीं संभाल सका, फिर उसके बाद रतन टाटा ने एक्वायर्ड किए लैंड रोवर और जैगवार। कैन यू इमेजिन, एक टाइम वो आया कि फिर रतन टाटा ने ये कर दिखाया कि अच्छा ये बात है, तो फिर देखिए एक टाइम वो आता है कि वो उसको लेते हैं। तो ऐसा ही होता है, कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें बड़ी होती हैं, और ये होता है कि उन लोगों के लिए कि जिनका पैशन बहुत ज्यादा हो,